أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقينا تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اور یہ رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہر شخص کے لیے ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو اللہ پاک سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہو اور آرزو اور تمنا رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور جس کو آخرت پر مکمل ایمان اور یقین بھی ہو. وذکر اللہ کثیرا، اور اس نے اللہ پاک کو یاد کیا ہو بہت زیادہ. سورۃ الاحزاب کی یہ آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی ہیں. ان آیات بینات میں سے پہلی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالی نے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ اور بہترین اسوہ حسنہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی اگر گزارنی ہے تو کس طرح سے گزارنی چاہیے. ایک شخص اپنا مکان بناتا ہے، اپنا مکان بنانے سے پہلے ایک ماڈل تیار کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنے مکان کو اس طرح سے تعمیر کروں گا. اس کے لیے وہ نقشہ بناتا ہے اور ماہرین کو جمع کرتا ہے، اور ان کی مدد سے مکان کا بہترین نقشہ تیار کرتا ہے اور اس کے مطابق مکان کی تعمیر کرتا ہے. اسی طرح سے ہر شخص زندگی گزارنے میں وہ کسی نہ کسی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے مثال قرار دیتا ہے کہ مجھے کس طرح سے دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے. کوئی شخص اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے، کوئی اپنے خاندانوں کے رسم و رواج کو دیکھتا ہے، اور کوئی اپنی چاہتوں کو دیکھتا ہے کہ جیسے میری چاہت ہوگی میں ایسے زندگی گزاروں گا. اور کچھ لوگ اپنے سے پہلے والوں کو دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم سے پہلوں نے زندگی گزاری ہے ہم بھی اس طرح سے زندگی گزاریں گے.
अल्लाह तबारक ताला ने ईमान वालों को ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि अपनी ज़िंदगी को किसी की ज़िंदगी पर ढालना चाहते हो तो तुम्हारे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। ये मिसाल यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह से कोई शख्स अपने किसी अजीज़ को, किसी चाहने वाले को कोई राय और मशवरा देता है कि तुम्हें इस तरह से वक्त गुजारना है, इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, इसी तरह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ईमान वालों के लिए नमूना, ईमान वालों के लिए मिसाल करार दिया गया कि आप घर में ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी देखो, आप तिजारत कैसे करना चाहते हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत को देखो, आप शादी कैसे करना चाहते हो, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों को देखो, आप अपनी बेटी का रिश्ता कैसे देना चाहते हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को देखो, आप अपने घर के अंदर माँ बाप के साथ किस तरह से सलूक करना चाहते हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात देखो, आप अपनी औलादों की तरबियत किस तरह से करना चाहते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो, आप अलैहिस्सलाम ने किस तरह से बच्चों की तरबियत फरमाई, आपकी क्या हिदायत है। अच्छा, अगर दुश्मन तुम्हारे सामने आ जाता है उसके साथ तुम्हें कैसे रवैया इख्तियार करना चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। मोहब्बत जब किसी से करो तो मोहब्बत किस अंदाज से होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। अगर कभी नफ़रत हो तो नफ़रत कैसे करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। गुस्सा आए, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से का अंदाज़ देखो, वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन मशाल राह और सबसे बेहतरीन तुम्हारे लिए नमूना है। खुशी घर में है, खुशी का इजहार कैसे करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा देखो, उसमें तुम्हारे लिए नमूना है। गमी आए तो गमी का इजहार कैसे करें, क्या हम उस गमी में आज़ाद हैं जो चाहे करें, नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा देखो, उसमें तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। गर्ज ये कि ज़िंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिस शोबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की तरफ हमें रहनमाई न दी गई हो। पैदा होने से लेकर मरते दम तक, कब्र में रखने तक, ज़िंदगी का हर शोबा, ज़िंदगी का हर काम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुतहरा के मुताबिक करो। आप जानती हैं कि जब बच्चे की विलादत और पैदाइश होती है तो सबसे पहले उसके कानों में अजान दी जाती है। ये क्यों? ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है ताकि उस बच्चे के दिल में और दिमाग में और उसके लाशऊर में अल्लाह की अज़मत बैठे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत ताकि उसके दिल में बैठ जाए। और जब अल्लाह और उसके रसूल की अज़मत उस बच्चे के दिल में बैठेगी, इसको बंद कर दो, मोबाइल चूँचू कर दो, साइलेंट में कर दो, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की और अल्लाह की अज़मत जब उनके दिलों में बैठेगी तो नतीजा ये निकलेगा कि उस नतीजे के बाद जब वो बड़े होंगे तो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना उनके लिए आसान होगी। यानी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पैदा होने से लेकर मरते दम तक ज़िंदगी का कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत मौजूद ना हो। और फिर ये बात भी अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमा लें कि जब आदमी पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद सबसे पहले उसके साथ क्या आमाल हमें करने हैं, किन आमाल का हमें हुक्म है, उसमें बहुत सारी हमारे सोचें भी हो सकती हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के बयान भी हो सकते हैं, बहुत सारे दुनिया के अंदर होशियार और समझदार लोगों के बयान भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना और सबसे बेहतरीन अमल वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। जाहिर सी बात है कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना से, आपकी मुबारक ज़िंदगी से मोहब्बत वही शख्स करेगा जिसके अंदर तीन सिफात पाई जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैदा होने से लेकर मरते दम तक अपनी ज़िंदगी में वही शख्स ला सकता है जिसके अंदर तीन कमालात मौजूद हों जिनका अल्लाह पाक ने यहाँ तज़किरा फरमाया। नंबर एक, लिमन कान यरजुल्लाह,
जिसको अल्लाह पाक से मुलाकात की उम्मीद तो हो, अल्लाह पाक से मुलाकात का शौक़ तो हो, क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के हुजूर जब मैं पेश होऊंगा तो मुझसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक पूछा जाएगा, जब मैं कब्र में रखा जाऊंगा तो मुझसे ये पूछा जाएगा माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल अल्लज़ी बुइसा फ़ीकुम, ये जो शख्स आपकी तरफ नबी बनाकर आया आया था और नबी बनाकर जिसे भेजा गया था, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या नज़रिया है। अगर किसी आदमी को इस बात पर यकीन है कि मुझे अल्लाह से मिलना है और मुझे अल्लाह पाक से मुलाकात करनी है और मुझे अल्लाह पाक से मोहब्बत चाहनी है और मैं अल्लाह का महबूब बनना चाहता हूँ, तो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूना बनाएगा। इसीलिए दूसरी आयत में इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा फत्तबिउनी, क्या तुम ये चाहते हो इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा कि तुम अल्लाह को महबूब बना लो। दो चीज़ें होती हैं, एक ये कि अल्लाह पाक हमें महबूब बना ले, अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और दूसरा ये कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह पाक से मोहब्बत करने के कई अंदाज थे, कोई अंदाज़ यहूदियों ने अपनाया, कोई नसरानियों ने अपनाया, कोई मुशरिकीन ने अपनाया। यहूदियों ने क्या अंदाज़ अपनाया अल्लाह से मोहब्बत करने का, भाई हम अल्लाह से मोहब्बत इस तरह से करेंगे कि हम हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार देंगे, इससे हमें ऐसा करने से हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह पाक हमसे राज़ी होगा। नसरानियों ने कहा कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देंगे, इस वजह से अल्लाह तबारक तआला हमसे मोहब्बत करेगा। मुशरिकीन अरब ने ये कहा कि नहीं, ये दोनों बातें दुरुस्त नहीं हैं, ना उज़ैर अल्लाह का बेटा है ना ईसा अल्लाह का बेटा है, बल्कि ऐसा कर लेते हैं कि मलाइका ये बनातुल्लाह ये अल्लाह की बेटियां हैं, मलाइका को हम अल्लाह की बेटियां करार देंगे, इससे अल्लाह पाक की मोहब्बत का हक अदा होगा। अल्लाह पाक ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि यहूदियों को भी आप समझा दें, नसरानियों को भी आप बता दें और अरब के मुशरिकीन को भी आप बता दें इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाहा कि तुम अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, तुम अल्लाह का पसंदीदा बनना चाहते हो, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो उनके लिए एक ही रास्ता है, अल्लाह से मोहब्बत करने का एक ही वाहिद रास्ता है, वो क्या है फत्तबिउनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तो ऐसा करने से क्या होगा युहिब्बुकुमुल्लाहु, इसके नतीजे में फिर अल्लाह तबारक तआला तुमसे भी मोहब्बत करेगा। तो गोया कि इसके बग़ैर अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो ही नहीं सकती जब तक कोई शख्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा न करता हो। इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा हसना आपकी ज़िंदगी को वही शख्स नमूना बनाएगा और वही शख्स अपनी ज़िंदगी में लेकर आएगा जिसमें पहली खूबी ये पाई जा रही हो यरजुल्लाह, जो अल्लाह से उम्मीद तो रखता हो, अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद तो रखता हो, अल्लाह से मिलने का उसे यकीन तो हो, अल्लाह से मुलाकात का शौक़ तो हो। और जो शख्स अल्लाह पाक से मुलाकात का शौक़ रखता है, मिलने का शौक़ रखता है, अल्लाह पाक भी उससे मिलने का शौक़ रखता है। जो शख्स अल्लाह से मिलने का शौक़ नहीं रखता, अल्लाह भी उससे मिलने का कोई शौक़ नहीं रखता। और दूसरी ख़ूबी वल यौमल आखिर, और जिसे आखिरत में अल्लाह के सामने पेश होने का डर मौजूद हो, जिसके दिल और दिमाग में हर वक्त ये बात मौजूद हो मुझे अल्लाह के सामने पेश होना है और मुझसे मेरी ज़िंदगी के मुतालिक पूछा जाएगा, और मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में मौजूद होंगे और मैं भी वहाँ मौजूद होऊंगा, और मेरी ज़िंदगी का तकाबल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ कराया जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी 100% रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुनासिब और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुताबकत खा रही होगी तो मेरी निजात होगी, वरना निजात मुमकिन नहीं है। इसलिए इस बात का ख्याल जिस शख्स के दिल में है वो अल्लाह के रसूल का उसवा हसन अपनाएगा। और तीसरी खूबी जिक्र फरमाई व ज़िक्र अल्लाह कसीरा, और खूब वो कसरत से अल्लाह को याद करता हो, कसरत से अल्लाह को याद करता हो। और कसरत से अल्लाह पाक को याद करने का माना यह है कि अल्लाह के तमाम अहकामात को बजा लाता हो, जिन चीज़ों से अल्लाह पाक ने मना किया है उन चीज़ों से मना हो जाता हो, उन चीज़ों से रुक जाता हो, हर वक्त उसके दिल और दिमाग में ये तसव्वुर कायम हो मुझे मेरा अल्लाह देख रहा, मेरा अल्लाह मेरी बात को सुन रहा, मेरा अल्लाह मेरे हर अमल से आगाह है। ये तीन सिफात जिस शख्स के अंदर हैं, फरमाया वो आदमी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपनाएगा, वो आप अलैहिस्सलाम का उसवा हसना अपनाएगा। फिर अल्लाह तबारक ताला ने बड़ी इज़्ज़त बख्शी है इस उम्मत को, उम्मत के मर्दों को भी बड़ी इज़्ज़त बख्शी है,
और उम्मत की औरतों को भी बड़ी इज्जत बख्शी है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं उन अहकामात के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने बराह रास्त मर्दों को खिताब फरमाया, लेकिन कहीं कहीं औरतों की दिलजोई के लिए जब औरतों ने यह सवाल किया कि जा बजा मर्दों का ही तज़किरा आता है, हमारा तज़किरा नहीं आता, चूँकि अल्लाह पाक कदरदान है तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने कुछ अहकामात औरतों से मुतालिक भी कुरान में ज़िक्र फरमाए हैं, और ख़ास तौर पर उन अहकामात में औरतों को मुतनब्बेह फरमाया, औरतों को आगाह किया। तो इस वक्त की नशिस्त में उन अहकामात में से चंद अहकामात में आपके सामने अर्ज़ करता हूँ जो अल्लाह तबारक ताला ने बराह रास्त औरतों को खिताब करके जिन अहकामात को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया। चुनाचे सूरतुल अहज़ाब के अंदर एक हुक्म तो ये आया, या अय्युहन नबी कुल लिअज़्वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। ए नबी, आप अपनी बीवियों से भी फरमा दीजिए और आप अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, व निसाइल मोमिनीन और मुसलमान औरतों से भी कह दीजिए, अय युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, कि जब वो अपने घरों से बाहर निकले तो अपने चेहरों को चादरों से ढाँप लिया करें। यह अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, ये इस तरह से मर्दों को हुक्म दिया कि आप अपनी औरतों से ये बात कहें। ये इस तरह से क्यों किया है? बराह रास्त अल्लाह पाक अगर औरतों को हुक्म दे देते कि ऐ औरतों, ऐ मुसलमान ख़वातीन, तुम अपने घरों से जब निकलो तो पर्दे का अहतमाम कर लिया करो, लेकिन नहीं, मर्दों को हुक्म दिया, ऐ नबी आप अपनी बीवियों से कह दीजिए, आप अपनी बेटियों से कह दीजिए, आप मुसलमानों की औरतों से कह दीजिए। ये मर्दों को गोया के हुक्म दिया कि आप अपनी औरतों को पर्दे पर तैयार करो, उनसे ये कहो कि जब घरों से बाहर निकलें तो वह अपने चेहरों पर चादरें डालें। ये इसलिए हुक्म मर्दों को दिया कि पर्दा सिर्फ औरत का मसला नहीं है, पर्दा मर्द की इज्जत है। किसी भी औरत के चेहरे का छुप जाना ये मर्द की इज्जत है। औरत की इज्जत तो है ही है, लेकिन एक बाप की इज्जत है कि उसकी बेटी की तरफ कोई गैर न देखे, एक शोहर की इज्जत है कि उसकी बीवी को कोई गैर न देखे, एक गैरतमंद भाई की इज्जत है कि उसकी बहन को कोई गैर न देखे। इसलिए बराह रास्त मर्दों को खिताब करके और मर्दों के तवस्सुत से ये औरतों को हुक्म दिया, हालांकि हुक्म वो है जिस हुक्म का ताल्लुक सिर्फ औरतों से है। और फरमाया ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين, ऐसा करने का फायदा क्या होगा? क्यों तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है? क्यों तुम्हें अपने चेहरों पर चादरें लटकाने का हुक्म है? क्यों तुम्हें अपने गरेबानों को छुपाने का हुक्म दिया जा रहा है? ये हुक्म क्यों नाजिल किया? फरमाया ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين, ये पर्दा तुम्हारी पहचान है, ये पर्दा तुम्हारी शिनाख्त है, ये चेहरे का छुपना ये तुम्हारी अलामत है, ये तुम्हारा शिआर है, ये तुम्हारी पहचान है। फला युज़ैन, जब तुम ऐसा करोगी तो किसी बुरे शख्स की निगाह तुम्हारे चेहरे पर नहीं पड़ेगी, तुम्हें अजियत नहीं होगी, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। और मदीना मुनव्वरा में एक बात और थी कि वहां आज़ाद औरतें भी थीं, बांदियाँ भी थीं। बांदियाँ और लोंडियाँ वो औरतें कहलाती हैं कि जो मैदान जिहाद से हाथ में आती थी काफिरों की औरतें, और उन्हें मुसलमान घरों में ले आते थे और उन्हें आके बांदियाँ बनाते थे, लोंडियाँ बनाते थे, और उनसे दिवाजी ताल्लुक़ बग़ैर निकाह के भी कायम किया जा सकता था। जाहिर है वो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारती थी। तो मुसलमान औरतों को ये हुक्म दिया कि आप जब अपने घरों से बाहर निकला करो तो आप अपने चेहरों पर चादरों को डाला करो, ताकि ग़ुलामी की ज़िंदगी से आपका फ़र्क हो, ताकि आप पहचानी जाओ कि आप एक आज़ाद औरत हो, ताकि पहचानी जाओ कि आप एक इज़्ज़तमंद औरत हो, ताकि पहचानी जाओ कि पीछे आपका कोई खानदान है, आपका बाइज्जत खानदान है, आपका पीछे गैरतमंद बाप है, पीछे आपका गैरतमंद भाई है, पीछे गैरतमंद बेटा है, पीछे गैरतमंद शोहर है। इस वजह से हम आपको यह हुक्म दे रहे हैं, ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, तुम गुलामों की तरह, तुम बांदियों की तरह नहीं हो जिनका कोई ख़ानदान नहीं है, तुम लोंडियों की तरह नहीं हो कि जिनके पीछे उनका शोहर गैरतमंद नहीं है, उनका भाई पीछे नहीं है, उनका बाप पीछे नहीं है, नहीं नहीं, तुम इज्जतमंद हो। तो इज्जत पर्दे में समझाई है, आज़ादी पर्दे में समझाई है, गोया के पर्दा न करना वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बताई है। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, इससे पहले अगर कोई कोताही हो गई है तो अल्लाह तबारक ताला बख्शने वाला मेहरबान है, उसकी तरफ रुजू कर लिया जाए, उससे माफ़ी मांग ली जाए, वो बख्श देगा। लئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم
फिर एक डांट सुनाई, एक तंबीह सुनाई। अगर वो लोग जो मुसलमान ख्वातीन के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बुरी निगाहों से उनकी तरफ देखते हैं और बुरी सोच के साथ उनकी तरफ देखते हैं, ऐसे मुनाफिक लोग हैं। अगर ये मुनाफिक लोग बाज न आए, लनुग्रियन्नक बिहिम, फरमा हम ए नबी आपको उन पर मुसल्लत करेंगे और हम आपके ज़रिए से उनको सजा देंगे। इस्लामी अदालत, इस्लामी हुकूमत, रियासत मदीना जैसे कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बदनसीबों और ऐसे बदबख्तों को सख्त सजा दे जो मुसलमान इज्जतों, मुसलमान औरतों की इज्जतों को पामाल करना चाहते हैं, जो मुसलमान ख्वातीन की तरफ बुरी निगाहों से देखते हैं, जो मुसलमान बेटियों की तरफ बुरी निगाह से देखते हैं, बुरी सोच उनके मुतालिक सोचते हैं, वो काबिले ताज़ीर हैं, वो काबिले सजा हैं, उनको सजा दी जाए। मलऊनीना अयनमा सुकिफू उखिज़ू वकुत्तिलू तकतीला, फरमाया ऐसे शख्स जो है उन पर अल्लाह की लानत बरसा करती है, अल्लाह की तरफ से फटकार उतरती है। अयनमा सुकिफू उखिज़ू, जहाँ पर भी वो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, उन पर ताज़ीर की जाएगी, सख्त बदतरीन सजा दी जाएगी। वकुत्तिलू तकतीला, उन्हें कत्ल भी किया जा सकता है। सुन्नतल्लाहि फिल्लदीन खलौ मिन क़ब्ल, ये कोई कानून आज का नहीं है, ये अल्लाह का ज़ाबिता पहले से है, यह अल्लाह का ज़ाबिता गुज़िश्ता उम्मतों के अंदर भी रहा। यह अल्लाह की सुन्नत, यह अल्लाह का तरीक़ा कि बागियों को, नाफरमानों को और मुसलमान मुसलमान औरतों की इज्जत को पामाल करने वालों की सजा पहले से चली आ रही है। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, और अल्लाह पाक की सुन्नत और अल्लाह के रास्ते और अल्लाह के तरीक़े को कोई तब्दील नहीं कर सकता, अल्लाह के कानून को कोई तब्दील नहीं कर सकता। कोई माँ बहन ये नहीं कह सकती कि आज के ज़माने में पर्दा मुश्किल है, आज के ज़माने में कैसे हो सकता है। वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह के काम, अल्लाह के अहकाम में, अल्लाह के कानून में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती है। लिहाजा इस हुक्म को मानना है, इस हुक्म को मानने में तुम्हारी इज्जत है। तो मैं अपनी माओं बहनों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि कुरान मजीद की इन आयात के सुनने के बाद, इसकी तफसीर समझने के बाद, अब आप पर लाजिम है कि यहाँ से उठने से पहले पहले अपने चेहरों पर पर्दे डालकर, अपने गरेबानों पर पर्दे डालकर, मुझे यकीन है कि जितनी भी माएँ बहनें यहाँ बात सुनने के लिए आई हैं सभी बापर्दा होंगी। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी में पर्दा नहीं है और कोताही है, तो घर जाएं लेकिन पर्दा करके जाएं। ये न कहें कि कल से शुरू करेंगी, ये न कहें कि परसों से शुरू करेंगी, ये न कहें कि घर में मशवरा करेंगी, अभी से इस पर आज़म करें, अभी से ये काम करके जाना है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये आयत नाजिल हुई, पर्दे वाली आयत, अज़वाज मुतहरात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबियां और दीगर मुसलमानों की ख्वातीन दाएं बाएं निकली हुई थी, जैसे ये आयत नाजिल हुई, एक आवाज़ लगाने वाले ने आवाज़ लगाई कि अल्लाह की तरफ से हिजाब का हुक्म, पर्दे का हुक्म आ गया है। जो खातून जहां पर थी उसने बड़ी चादर मंगवाई या किसी से बड़ी चादर आरियत पर ली और अपने चेहरे को ढांपा और चेहरे को ढांप कर फिर अपने घर को गई। ये नहीं उसने कहा कि मैं कल से करूँगी। ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, ये ज़िंदगी मेरी माओ बहनों के लिए नमूना है, ये ज़िंदगी मेरी माओ बहनों के लिए आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी नमूना है, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी नमूना है, हफ्सा और सौदा की ज़िंदगी उनके लिए नमूना है, अज़वाज मुतहरात की ज़िंदगी उनके लिए नमूना है, सहाबियात की ज़िंदगी उनके लिए नमूना है। आज कल के ज़माने की बदकार औरतें, आज कल के ज़माने की बदनाम औरतें उनके लिए नमूना नहीं हैं, यहूद और नसारा की औरतें उनके लिए नमूना नहीं हैं। उनके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीबियां, आप अलैहिस्सलाम की बेटियां और आप अलैहिस्सलाम की सहाबियात उनके लिए नमूना हैं। तो इसलिए मैं माओ बहनों से ये अर्ज़ करता हूँ, ये दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ से उठने से पहले पहले अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करके जाएँ। एक बात तो ये हो गई कि अल्लाह के इस हुक्म पर अमल करके हमने यहाँ से जाना है। दूसरी बात जो ख्वातीन से मुतालिक है यहाँ ख़ास तौर पर, वइदा सअलतुमूहुन्ना मताअन फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिक़ुलूबिकुम व क़ुलूबिहिन्ना, इरशाद फरमाया जब तुम कोई सामान मांगो, कोई सवाल करो ख्वातीन से, फसअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, तो पर्दे के पीछे से सवाल करो। ये तुम्हारे दिल के लिए भी पाकिजगी है, उनके दिल के लिए भी पाकिजगी है। हकीकत में यह हुक्म अजवाज मुतहरात को था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज के लिए हुक्म था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के लिए यह हुक्म था।
अब बात समझने की है, वहाँ ख़वातीन कौन हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ हैं, और कौन हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ हैं, और कौन हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियात हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त तरबियत पाई है, अहदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई है और वही के नुज़ूल को उन्होंने देखा है, जिनके दिल तकवे से भरे हुए हैं, खौफ खुदा से उनके दिल लबरेज और भरे हुए हैं, अल्लाह का डर उनके दिल में मौजूद, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में मौजूद। सामने मर्द कौन है उस ज़माने के, वो अबू बकर सिद्दीक हैं, वो उमर फारूक हैं, वो उस्मान हैं, वो अली रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं और वो दीगर अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, जिनके मुतालिक अल्लाह ने ये फरमाया कि रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राज़ी वो अल्लाह से राज़ी हो गए, और जिनके मुतालिक अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीन इम्तहनल्लाह, अल्लाह ने इम्तिहान लिया इनके दिलों का, इनके दिलों के अंदर तकवा भरा हुआ है, जिनके मुतालिक इरशाद फरमाया कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने उनके दिलों में ईमान को लिख दिया है, नक्श कर दिया है। सहाबा वो जिनके दिलों में ईमान को अल्लाह ने लिख दिया है, सहाबियात वो जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाई है, सहाबियात के दिल भी तकवे से भरे हुए हैं, सहाबा किराम के दिल भी तकवे से भरे हुए हैं, फिर भी ये हुक्म आ रहा है मर्दों को, ए मर्दों जब तुम्हें इनसे कुछ चीज़ मांगनी हो, फ़सअलूहुन्ना मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से बात करना। फिर भी उन अजवाज को हुक्म है, उन ख़वातीन को ये हुक्म है, या निसा अन्नबी रसुन्नक अहद मिन अन्निसा इन तक़ैतुन्ना फला तख़ज़ाना बिलकौल, जब गैर महरम के साथ बात करने की तुम्हें नौबत आए, फला तख़ज़ाना बिलकौल, अपनी बात में नरमी मत इख्तियार करना, अपनी बात में खुरदरापन इख्तियार करना, नरमी मत इख्तियार करना, लजाजत मत इख्तियार करना, नज़ाकत मत इख्तियार करना, फ़यतमा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, क्यों अगर तुमने ऐसा किया, कहीं ऐसा न हो कि जिसके दिल में बीमारी है, जिसके दिल में निफाक है, जिसके दिल में कुफ्र है, जिसके दिल में शक है, उसके दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई बुरा वसवसा आ जाए। वकुल कौलम मारूफा, साफ साफ दो टोक बात करना। तो अल्लाह पाक ने इन ख़वातीन इस्लाम को, इन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ख़वातीन को बात करने का सलीका भी सिखाया, चलने का अंदाज भी सिखाया। सूरतुन नूर में इरशाद फरमाया वला यदरिबना बिअर्जुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, जब ये रास्ते में चलें तो पैर भी ज़ोर ज़ोर से न मारें, ताकि पैरों की आवाज़ से इनके जिस्म में पहना हुआ जो जेवर है, उस जेवर की छनछनाहट न हो, उस जेवर की आवाज़ न हो, वो जेवर बजता न हो, उस जेवर की आवाज़ गैर महरम के कानों तक न पड़े। जब जेवर की आवाज़ गैर महरम के कानों तक न पड़े, तो खातून खाना की आवाज़ गैर महरम के कानों तक कैसे जायज़ हो सकती है, ये बात समझने की है। तो दूसरी हिदायत अब ख़वातीन इस्लाम को ये दी जा रही है कि बात सलीके से करनी है, गैर महरम से ज़रूरत के तहत बात करनी है। अगर एक बात से बात पूरी हो, दूसरा जुमला मत बोलो, दो से पूरी हो तीसरा जुमला मत बोलो, तीन से पूरी हो चौथा जुमला मत बोला करो, बल्कि साफ साफ दो टोक बात किया करो, ज़रूरत के मुताबिक दो टोक बात किया करो। फिर तीसरा हुक्म ये समझाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, वकरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर रहा करो, घरों के अंदर रह कर तुम काम करो, घरों के अंदर रहना तुम्हारी जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी है। एक खातून, एक औरत जब बचपना है उसका, और बचपने में उसका तमाम तर उसकी किफालत, उसका ख़र्चा, उसकी सारी जिम्मेदारी बाप पर है। जब बच्ची बालिग होती है, बालिग होने के बाद अब उसकी जब शादी होती है, अब सारा ख़र्चा शोहर के ज़िम्मे है। बुलूगत से पहले, शादी से पहले बाप के ज़िम्मे सारे खर्चे, बाप उसके लिबास के ख़र्चे भी पूरा करे, उसके खाने के ख़र्चे भी, उसकी रिहाइश भी, उसकी तालीमी ख़र्चे भी, उसके हर नाज और नखरे को बाप उठाएगा। और जब वो बालिग हो गई है, शादी हो गई है, अब उसके तमाम तर नाज नखरे शोहर उठाएगा।
अब उसकी किफालत शोहर करेगा, वो पहनने के लिए भी उसे अच्छा दे और वो उसे खिलाए भी अच्छा। आपने फरमाया वो खिलाओ जो खुद खाते हो, ऐसा अच्छा कपड़ा पहनो जैसा खुद पहनते हो। आपने इरशाद फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं तुम सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ। आपने इज्जत दी, इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये इज्जत दी। बहनों को इज्जत दी, बेटियों को इज्जत दी। जिस शख्स ने अपनी दो बेटियों को पाला पोसा और जवान किया और बालिग होने पर अच्छा निकाह किया, आपने फरमाया मैं उसकी जन्नत का जामिन हूँ। एक शख्स ने कहा अगर दो ना हो तो, कहा एक के साथ ये सलूक करे तब भी जन्नत का जामिन हूँ। एक शख्स ने कहा अल्लाह के रसूल किसी की बेटियां ना हो तो, फरमाया बहनों के साथ ये सलूक करे तब भी उसकी जन्नत का जामिन हूँ। गोया के बहन की वजह से भाई को जन्नत मिल रही है, और खातून माँ की वजह से बेटे को जन्नत मिल रही है, और बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से सबसे बेहतरीन इंसान करार दिया जा रहा है। तो फिर औरत को क्या काम दिया अल्लाह पाक ने? ये किस मर्ज की दवा है? इसको अल्लाह पाक ने किस मकसद के लिए पैदा किया? इतनी इज्जतें अल्लाह पाक ने इसको किस लिए दी हैं? इसलिए समझाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हें अपने घरों में रहना है, अपने घरों में रहकर अपनी नस्लों की तरबियत करना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, ये सबसे अजीम तरीन जिम्मेदारी है जो मर्द नहीं कर सकता। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी गोद में, वो तुम्हारे बच्चों की पहली दरसगाह है, पहली क्लास है। वहाँ से जो बच्चा तरबियत सीखेगा मरते दम तक, उसके दिल और दिमाग में वो बातें नक्श रहेंगी जो उसने माँ से सीखी हैं। आपने कभी सुना है मादरी जबान? क्यों नहीं कहा जाता पितरी जबान, बाप की जबान? मादरी जबान, मादर की तरफ मंसूब करते हैं जबान को। बच्चा जबान माँ से सीखा करता है, बच्चा अखलाक माँ से सीखा करता है, बच्चा किरदार माँ से सीखा करता है, बच्चा बद अखलाकी भी माँ से सीखता है, बच्चा बद किरदारी भी माँ से सीखता है। और माएँ जिन्होंने बच्चों की तरबियत की हैं, जब वो उम्मीद से होती हैं उस वक्त से बच्चों की तरबियत करना शुरू करती हैं, उस ज़माने में जो माँ अच्छा किरदार इख्तियार करती है, अच्छे अखलाक की मालिका बनती है, अच्छे किरदार की मालिका बनती है, उसके अच्छे अखलाक और उसके अच्छे किरदार के असरात बच्चे के अंदर मुंतकिल होते हैं। इसलिए नेक माएँ, नेक सीरत माएँ उम्मीद के ज़माने से अपने बच्चों की तरबियत करती हैं और अल्लाह को याद करती हैं, गुनाहों से और नाफरमानियों से बचती हैं, ताकि हमारे बतन से पैदा होने वाली औलाद नाफरमान न हो, हमारे बतन से पैदा होने वाली औलाद अल्लाह की फरमा बरदार होकर रहे। एक अल्लाह के बुजुर्ग, एक नेक शख्स ऐसे आए और अल्लाह ने उन्हें इतना मकाम दिया, इतनी इज्जतें दी कि हर मखलूक उनके ताबिया। माँ ने एक दिन कहा बेटा अल्लाह ने तुम्हें ये इज्जतें दी हैं, इसमें मेरा किरदार है, इसमें मेरी मेहनत है और इसमें मेरी मशक्क़त है। बेटे ने कहा अम्मा आपका क्या किरदार, आपकी क्या मेहनत? ये मैंने रियाजत से, ये मैंने अपनी मेहनत से और मशक्क़त से ये बुजुर्गी का मकाम हासिल किया है। माँ ने कहा बेटा देख लोगे, चंद दिन नहीं गुजरे नमाजों में जी लगना ख़त्म हो गया, आखरत की रग़बत ख़त्म हो गई, दुनिया की मोहब्बत दिल में आने लग गई, नमाजें छूटने लग गईं और गुनाह होने लग गए। तो माँ के पास गए शिकायत करते हुए कि अम्मा जान अब ये कैफियत है। माँ ने कहा बेटा तूने कहा था कि मेरी मेहनत है, मैंने वो अमल छोड़ दिया जो मैं किया करती थी। माँ से पूछा बेटा, माँ से पूछा अम्मा आप क्या अमल करती हैं, मेरी तरबियत पर आप क्या अमल करती हैं? माँ ने कहा बेटा जब तुझे दूध पिलाया बावजू होकर दूध पिलाया, जब तुझे खाना खिलाया बावजू होकर खाना खिलाया, जब तेरे लिए खाना बनाया बावजू होकर बनाया, पैदा होने से लेकर आज तक न मैंने दूध बचपन में तुझे पिलाया है बगैर वजू के, और न मैंने तुझे कभी खाना खिलाया है बगैर वजू के, हमेशा बावजू होकर तुम्हें खाना खिलाया, बावजू होकर मैंने खाना पकाया है। ये उसके असरात हैं, उसके असरात हैं। मेरी माँ और बहनों मुझे इतनी सी बात ये बता दो, क्या चीज़ों के असरात होते हैं? आप जब अपनी किचन में खड़ी काम कर रही हैं, अगर आपने सालन में मिर्च ज़्यादा डाल दी, नमक ज़्यादा डाल दिया, उस नमक के असरात हैं, उस मिर्च के असरात हैं। क्या अगर अल्लाह का नाम लेकर आपने खाने को बनाया तो क्या खाने के अंदर अल्लाह के नाम के असरात नहीं आएंगे? क्या अगर आपने खाने के दौरान किसी की गीबत की, झूठ बोला, लग बात की, फजूलियात में लगी रही, उन
बुरे कामों के और बुरे बोलों और बुरे जुमलों के असरात खाने के अंदर मुंतकिल होते हैं। इस अजीम तरीन मकसद के लिए अल्लाह पाक ने औरत से कहा वकरना फी बुयूतिकुन्ना, तुम्हें अपने घरों के अंदर ठहरना चाहिए। जबान से निकला बोल अच्छा होता है, हदीस पाक में आता है जब तक अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा आसमान और जमीन कायम रहेंगे। माना यह कि जबान से निकलने वाला अच्छा बोल उस पर कायनात कायम है और जबान से निकलने वाला बुरा बोल शिरकिया कलमा तकादु समावात यतफत्तरन मिन फौकिहिन, फरमाया आसमान फटने लगता है। कब? जब कोई आदमी यूं कहता है अन दाउ लिर्रहमानी वलदा, अल्लाह के लिए औलाद साबित करता है, आसमान फटने लगता है। पता चला जबान से निकलने वाले बुरे कलमे का असर इतना आसमान जमीन फटने लगते हैं और अच्छे कलमे का इतना असर आसमान जमीन कायम है। तो अगर किचन में खड़ी होकर गीबतें कर रही है, झूठ बोल रही है, लघवियात में मुबतला है, बुरी बातों में मुबतला है और वो खाना बना रही है, तो याद रखिएगा खाने के अंदर बुराई के असरात गुनाहों के असरात मुंतकिल होंगे। ये खाना जिस जिस पेट के अंदर जाएगा नाफरमानी पैदा करेगा, बगावत पैदा करेगा, कुफर पैदा करेगा, निफाक और शक पैदा करेगा। लेकिन अगर अल्लाह के नाम के साथ पका हुआ खाना है, माँ बहन कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हो, दुरूद शरीफ का अहतमाम कर रही हो, कसरत से जिक्र कर रही हो और इस कसरत से जिक्र करने के असरात तिलावत के असरात दुरूद शरीफ के असरात खाने में मुंतकिल होंगे। अब ये खाना जिस पेट में जाएगा नूर पैदा करेगा, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करेगा, अल्लाह की मारिफत पेट के अंदर लेकर आएगा और हक और बातिल में तमीज करने की सलाहियतें पैदा करेगा। इसलिए कहा वकरना फी बुयूतिकुन्न, औरतों की बड़ी जिम्मेदारी है, नस्लों की तरबियत करना बड़ी जिम्मेदारी है। जब बच्चियां बड़ी हो जाती हैं माँ बाप की इताअत करना बड़ी जिम्मेदारी है। आज बड़ा शिकवा है, आज बड़ा शिकवा है कि बेटियां माँ बाप की नाफरमान हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हज़रत आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्रील से पूछा जिब्रील क़यामत की क्या निशानियाँ हैं, फरमाया अंतलिदिल अमतु रब्बतहा, बांदी अपनी मालिका को जनेगी, बांदी अपनी मालिका को जनेगी, बांदी अपनी मालिका को जनेगी। इसकी तफसीर में मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि इसका माना ये है कि बेटियां अपनी माओं के साथ बदसलूकी करेंगी, बेटियां अपनी माओं के साथ गुलामों वाला बांदियों वाला सलूक करेंगी और बेटियां अपने बाप के साथ बुरे जवाब उन्हें देंगी। तो ये बड़ी सख्त बात है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह वबिलवालिदैन एहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदहुमा व किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, अगर दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँचे वो बहुत बड़े से बड़े जुमले बोल दें, जब भी फला तक़ुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ तक का लफ्ज़ न कहो, ऐसा जुमला न बोलो जिससे माँ बाप को अज़ियत हो। वला तन्हरहुमा, झड़कना नहीं है, साफ साफ बात कहनी है, झड़कना नहीं है। वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, इज़्ज़त से बात करो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, और बिछ कर उनके सामने खड़े हो जाओ, झुक कर उनके सामने खड़े हो जाओ। माँ बुलाए चेहरे पर बुरा असर न आए, बाप बुलाए चेहरे पर तुरशरू न आए, ते चेहरे पर किसी किस्म की कोई बुरी निशानी चेहरे पर नहीं आनी चाहिए, कोई बुरा असर चेहरे पर नहीं आना चाहिए। माँ बुलाए अच्छी तरह से जवाब दो, बाप पुकारे बेहतरीन जवाब दो, बेहतरीन जवाब दो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपनी दुआओं में इसको शामिल करो। ये दुआ अल्लाह पाक ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई है, दो दुआओं का हुक्म दिया है। एक ये दुआ कुर रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, आप ये कहिए कि ऐ मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम फरमा जैसे उन्होंने मेरी तरबियत फरमाई है। दूसरा कुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ नबी आप ये दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे इल्म के अंदर इजाफा फरमा। इल्म में इजाफे की दुआ और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक की दुआ अल्लाह पाक ने नबी को सिखाई है। बड़ी बदतरीन है, बड़ी बदतरीन है वो बेटी और बड़ा बदतरीन है वो बेटा कि जिसके माँ बाप उससे नाराज़ हों और माँ बाप का दिल उससे दुखता हो, माँ बाप उसकी ज़बान दराजी की वजह से उससे बात करना छोड़ दें, माँ बाप उसकी ज़बान दराजी की वजह से उसे कोई काम बोलना छोड़ दें, डर रहे हों कि नहीं उसे कोई काम बोला आगे से झिड़क देगा, आगे से बुरा बनाएगा और आगे से बदतमीज़ी करेगा, ये औलादों के लिए बदनसीबी है। दो
ये गुनाह ऐसा है, इस गुनाह की नक्द सजा अल्लाह पाक दुनिया में दो सजाएं दिया करता है। माँ बाप के नाफरमानों को दो सजाएं दुनिया में मिलती हैं, नंबर एक उनकी औलादें नाफरमान होती हैं, और नंबर दो हमेशा रिज्क की तंगी में मुबतला कर दिए जाते हैं। माल जितना भी हो तब भी रिज्क की तंगी में मुबतला हो जाएंगे। इसलिए करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के अंदर रहकर घरों की जिम्मेदारियों को पूरा करो, अपनी औलादों की तरबियत करो, बहनों की तरबियत करो, भाइयों की तरबियत करो, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करो, घर की खैर खबर लो, घर के निज़ाम को संवारना, घर के निज़ाम को बनाना ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। घर में कोई बेनमाजी न रहे, घर के अंदर हराम माल ना आए। आप शोहरों की निगरानी करो, बेटों की निगरानी करो, घर के अंदर जो माल लेके आते हैं कहीं हराम का माल तो नहीं लेके आए। आप ये कहिए मुझे नहीं चाहिए हराम का माल, हमें थोड़ा चाहिए लेकिन हलाल का माल चाहिए, हमें हराम का माल नहीं चाहिए। ये है वह करना फी बुयूतिकुन्ना, बगैर जरूरत के घरों से बाहर ना निकले। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, बड़ी सख्त ताकीद की है, और अगर घरों से बाहर निकलने की नौबत आ जाए तो जाहिलियत की तरह बेनकाब होकर ना निकलो। तीन किस्म की जिंदगियों को अल्लाह पाक ने जाहिलियत की जिंदगी कहा, तीन किस्म के कामों को अल्लाह पाक ने जाहिलों वाले काम कहा। नंबर एक, जब औरत बेपर्दा होकर घर से बाहर निकलती है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ी डिग्री इसने हासिल की है, आला तालीम याफ्ता है, कुरान की तालीम के मुताबिक, कुरान के नज़रिए के मुताबिक ये जाहिलियत की ज़िंदगी गुजार रही है। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, जाहिलियत की ज़िंदगी मत गुजारो, जाहिलियत की ज़िंदगी की तरह मत रहो। माना ये कि बग़ैर हिजाब के होना ये जाहिलियत है। किसी औरत से रास्ते में चलती हुई बेहिजाब से तुम कहोगी कि तुम जाहिल औरत हो, तुम बड़ी जाहिला हो, वो तो लड़ पड़ेगी, नहीं नहीं मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मेरे पास ये डिग्रियां हैं, मैंने ये तालीम हासिल की है, तुम कैसे कह रही हो मैं जाहिल हूँ, कुरान कह रहा है ऐसी को जाहिल। वो जाहिल है जो अपने चेहरे को न छुपा सके, जो अपनी इज्जत को न छुपा सके, अपनी इज्जत का ख्याल न रखे, बाप की इज्जत का ख्याल न रखे, भाई और बहन की इज्जत का ख्याल न रखे, शोहर की इज्जत का ख्याल न रखे, बेटे की इज्जत का ख्याल न रखे, खानदान की इज्जत का ख्याल न रखे। वो तालीम उसके किस काम की है जो उसे ये आदाब न सिखाए, माशरे में चलना न सिखाए, माशरे में रहना न सिखा सके, बाप की इज्जत न सिखा सके, भाई बहन की इज्जत न सिखा सके, वो क्या तालीम है? अगर वो गैर महरम के साथ, गैर महरम मर्द के साथ उसका ताल्लुक है, ये जाहिलियत वाली जिंदगी है, ये गुनाह वाली जिंदगी है, ये हराम की जिंदगी गुजार रही है। और दूसरी जिंदगी जिसको अल्लाह पाक ने जाहिलियत कहा, इज़ालल्लज़ीन कफरू फी कुलूबिहिमुल हमीयता हमीयतल जाहिलिया, जो तासुब की ज़िंदगी गुजारता है, ख़ानदानी तासुब, ख़ानदानी बरतरी दिखाता है, मैं फ़लाँ से अफजल हूँ, मैं सैयद हूँ, मैं सिद्दीकी हूँ, मैं फारूकी हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ, ख़ानदानी बरतरी जो अपने आप के बारे में बोलता है, ये भी जाहिलियत की ज़िंदगी गुजारता है। अफ़ा हुक्मल जाहिलियत यबगून, कुरान से हट कर जो ज़िंदगी गुजारता है उसको भी अल्लाह पाक ने जाहिलियत की ज़िंदगी कहा। उसके बाद फरमाया, वअक़िमनस सलाह, घरों के अंदर रहकर तुम नमाज़ों को क़ायम करो। नमाजों का कायम करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। नमाजों का कायम करने का माना क्या है? एक माना यह है कि खुद नमाजों की पाबंद रहो, और दूसरा माना यह है कि अपनी औलादों को नमाज का पाबंद बनाओ, अपने घर वालों को नमाज का पाबंद बनाओ। नमाज का कायम करना, दूसरों को नमाज पर तैयार करना, दूसरों को नमाज पर आमादा करना। आपको क्या मालूम है, एक नमाज जिसकी छूट गई, अल्लाह के नबी का फरमान है, कान्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, उसका घर बार, उसका माल सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। एक आदमी अपने घर से बाहर निकला, पीछे घर में आग लग गई हो, बीवी भी जल गई, बच्चे भी जल गए, सारा सामान जल गया, सिर्फ जो उसके तन पर कपड़े थे वो रह गए, उसकी जान बच गई, आप सारे कहेंगे बड़ा खसारे में है, बहुत बड़ा इसका नुकसान हुआ। अल्लाह का नबी बता रहा, एक नमाज का छोड़ना इससे भी बड़ा नुकसान है। जो बेटा सुबह फजर की नमाज में नहीं उठता, वो सो रहा है, उसने जहन्नम की आग को अपने ऊपर जलाया हुआ है। अगर उसके बेड के नीचे, चारपाई के नीचे आग जलती आप देख ले और वो आपको नजर आ जाए, तो आपका सोना हराम हो जाए, आपकी नींद उड़ जाएगी कि मेरा बेटा आग में जलेगा, मेरा बेटा आग में जलेगा। तो उस बेटे को उठाना और उसको नमाज पर तैयार करना और उसे नमाज के लिए भेजना मस्जिद में, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए नमाज को कायम कराना, नमाज को कायम कराना ये आपकी जिम्मेदारी है।
हफ्ते वाला दिन है, इतवार वाला दिन है, छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन में कोई घर में शोर शराबा नहीं है, बाकी दिनों के अंदर हंगामा होता है और मर्द हजरात ड्यूटियों में जा रहे, बच्चे स्कूलों को जा रहे, रात को बच्चों को सला रही है सो जाओ सुबह स्कूल जाना, कभी ये कहा है कि सो जाओ सुबह फजर की नमाज भी पढ़नी है, फजर की नमाज का भी ख्याल रखना है। ये माँ की जिम्मेदारी है, ये बहन की जिम्मेदारी है घर के अंदर। अकीम नस्सलात, नमाज को कायम कराना घर के अंदर, सब अफराद को नमाजी बनाना और की नमाजों पर मेहनत करना, ये घर की जिम्मेदारी है। वह आती नकता, जक़ात को अदा करना, शोहर जो माल कमा के लाता है उसमें से जक़ात भी निकालना, उसमें से सदका भी निकालना शोहर की इजाज़त के साथ, इजाज़त के बगैर नहीं। जक़ात जब फर्ज हो जाए जक़ात को अदा करना, रोजाना माल में से कुछ ना कुछ सदका करती रहना। इसलिए सदका करती रहना, आपने फरमाया मैंने औरतों की जमात हो तुम्हें मैंने जहन्नम के अंदर देखा। पूछा गया अल्लाह के रसूल हमारा क्या जुर्म था, किस वजह से आपने जहन्नम में ज्यादा देखा? दो जराइम बताए। फरमाया एक तो शोहरों की नाशुक्री करती हो इसलिए जहन्नम में तुम ज्यादा आओगी, और दूसरा एक तो शोहरों की नाशुक्री करती हो, दूसरा तुम लान तान करती हो इसलिए तुम जहन्नम में आओगी ज्यादा। पूछती हैं अल्लाह के रसूल फिर क्या खुलासी हो सकती है जहन्नम से? आपने फरमाया सदका करती रहना, सदका करती रहना, सदका करती रहना, सदके के जरिए से जहन्नम का की आग बुझ जाएगी, जहन्नम के अजाब से बच सकोगी। व अतीअन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को बुनियाद बनाना, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को हर अमल में बुनियाद बनाना। हर काम करने से पहले अल्लाह का हुक्म देखो, हर काम करने से पहले नबी की सीरत को देखो। आप घर में शादी होने वाली है, बेटी की बेटे की शादी होने वाली है, देखो अल्लाह के अहकाम क्या हैं, देखो नबी की सीरत इसमें क्या है। हमने अपनी बेटी को रुखसत करना है, किस तरह से घर से रुखसत करना है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को कैसे रुखसत किया था? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है, उससे बढ़कर कौन अच्छी खातून हो सकती है? उन्हें अल्लाह के रसूल ने कैसे रुखसत किया था? हम अपनी बेटी को फातिमा की तरह रुखसत करेंगे? हम यहूद और नसारा की तरह अपनी बेटियों की शादियां नहीं कराएंगे, हम वजाकता यहूद और नसारा वाली नहीं लेकर आएंगे, हम फातिमा की तरह, हम आयशा की तरह, हम हफ्सा की तरह रजी अल्लाह अन्हुन्ना उन खवातीन की तरह हम अपनी बेटियों को रुखसत कराएंगे। ये है तुम्हारी कामयाबी, ये है खातून खाना का काम। और इसी तरह से बेटे की शादी हो उसमें भी देखो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हिदायत हैं। आपने फरमाया सबसे बेहतरीन वलीमा वो जिसमें फुकरा को दावत दी जाए, सबसे बदतरीन वलीमा वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ अग्निया बुलाए जाएं, जिसमें कोई फकीर ना हो कोई गरीब ना हो, वो बदतरीन वलीमा कहलाता है। वलीमे की हिदायत आपने दी है, जितनी हैसियत है जितनी इस्तेआत है इतना वलीमा करो। घर में कोई नाफरमानी की चीज ना हो, वो चीज अपने घर में मत रखो जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता हो, उससे अपने घर से निकालो। ये मोहब्बत का तकाजा है। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया करते थे जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक पसंद है हम उसे पसंद करते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक नापसंद है हम उसको अपने घर से निकालते हैं, हम उसे नापसंद करते हैं। वज़कुर मा युतला फी बुयूतिकुन मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत किया करो, हदीस रसूल अपने घरों के अंदर पढ़ा करो, कुरान की तिलावत हो। क्या ही अच्छी बात हो कि सुबह फजर की नमाज के बाद सब खवातीन घर के अंदर बैठें, बच्चों को भी लेके बैठाएं, चलो कुरान की तिलावत, ये अल्लाह का हुक्म है। ये खवातीन को घर की जिम्मेदारियां समझाई जा रही हैं, ये तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां हैं, नमाज का कायम करना और माल को साफ रखना, और इसी तरह से हराम माल अपने घर के अंदर न आने देना, और अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत का एहतमाम करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनना, सुनाना और पढ़ना, ये तुम्हारी घर के अंदर की जिम्मेदारियां हैं। वज़कुर मा युतला फी बुयूतिकुन मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, अल्लाह की आयात जो उतरती हैं उन आयात को अपने घरों के अंदर तिलावत करती रहा करो, और हिकमत की बातें, दानाई की बातें, नबी अलैहिस्सलाम की बातों का तज़किरा घर में करती रहा करो। उस्वाए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन किताब है, नबी अलैहिस्सलाम के उस्वाए हसना की, आपकी ज़िंदगी के मुतालिक तमाम बातें उसमें दर्ज हैं। आपके उठने का अंदाज़, आपके जागने का अंदाज़, आपके खाने का अंदाज़, आपके लिबास पहनने का अंदाज़, आपके चलने का अंदाज़, बाज़ार में जाने का अंदाज़, हर हर ज़िंदगी का शोबा उसमें दर्ज है, वो सुन्नतें दर्ज हैं, वो हर घर की ज़रूरत है। अपने घरों के अंदर उसको रखो और रोज़ाना थोड़ी थोड़ी उससे तालीम किया करो। और ये सब बातें जिक्र करने के बाद फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह का हुक्म मानने वाले मर्द और औरतें, और वल मुमिनीन वल मुमिनात, और दिल में अल्लाह की मोहब्बत बिठाने वाले मर्द और अल्लाह की मोहब्बत बिठाने वाली औरतें, वल कानितीन वल कानितात,
तवाज़ो करने वाले, झुक जाने वाले अल्लाह के सामने मर्द और अल्लाह के सामने झुक जाने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात और सच बोलने वाले मर्द और औरतें। सच से मुराद सिर्फ ज़बान की सच्चाई नहीं है, जो ज़बान में है वही दिल में है, वही अमल में है। तीनों चीज़ें आपस में मुवाफ़क़त रखती हैं तो ये सादिक कहलाता है। यानी जब मैंने ये अपने दिल में मैंने जब ये अकीदा दिल में रखा कि अल्लाह तबारक ताला मेरा रब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल है, मेरे राहबर और रहनुमा हैं, क्या इस नज़रिए के मुताबिक ये नज़रिया जो मैंने दिल में रखा, ज़बान भी उसी नज़रिए की शहादत दे और मेरा अमल भी उसी नज़रिए के मुताबिक हो। अगर मैंने ज़बान से ये इकरार किया हाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपना राहबर अपना रहनुमा मानता हूँ, लेकिन अमल मेरा यहूदियों की तरह हो, नसरानियों की तरह हो, गैरों की तरह हो, तो ये सादिकीन और सादिकात नहीं हैं, ये सच बोलने वाले नहीं हैं, ये सच बोलने वालियाँ नहीं हैं। वस्साबिरीन वस्साबिरात और मसाइब पर और मुसीबतों पर सब्र करने वाले और मसाइब पर सब्र करने वालियां, और इसी तरह से दीन पर जमने वाले मर्द, दीन पर जमने वाली औरतें, गुनाहों से बचने वाले मर्द, गुनाहों से बचने वाली औरतें। घर में नाजेबा बात अगर आ जाए, शोहर की कड़वी बात पर सब्र कर लेना, उसे पी जाना, ये औरतों की जिम्मेदारी है। बाप की सख्त बात आ जाए उसे सब्र कर लेना, माँ की सख्त बात आ जाए उसे सब्र करके पी जाना, ये सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। वल खाशईन वल खाशआत, इंतहाई तवाज़ो से रहने वाले मर्द और तवाज़ो से रहने वाली औरतें। तकब्बुराना जुमला ना हो, जो आदमी तकब्बुर वाला जुमला बोलता है तबाही और बर्बादी अपने लिए खुद मूल लेता है। अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, वल यहज़र वल यहज़र कुल्लल हज़र, बचो बचो इन कलिमात से बचो, ली ली से बचो, अना से बचो, इंदी से बचो। ली का मतलब मेरी चीज, मेरी चीज, मेरी चीज। फिरौन ने कहा था ली मुल्क मिस्र व हाज़िल अनहार, ये मुल्क मिस्र सारा मेरा है और ये सारी नहरें मेरे हुक्म से चलती हैं। फिरौन इस जुमले की वजह से तबाह हो गया था। अना अना मैं, ये शैतान ने कहा था अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया। वह खलक़तहू मिन तीन, और उसे तूने पत्थर और उसे तूने मिट्टी से बनाया, मैं बेहतर हूँ। फरमाया ये अना तो शैतान ने कहा था। इंदी से बचो, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, क़ारून ने कहा था ये मेरा माल ये मेरी सलाहियतों का नतीजा है, ये मेरा माल मेरी ज़ाती सलाहियतें हैं, मेरे पास इतना माल है, इतना माल है, इतना माल है। ये मुतकब्बिराना जुमले हैं, ये मुतकब्बिराना जुमले हैं। औरत अपने कपड़े दिखाती है, अपने घर के सामान को दीगर औरतों को दिखाती है, तकब्बुर की निगाह से दिखाती है, दूसरों को जलाने के लिए दिखाती है, परेशान करने के लिए दिखाती है, बड़े सख्त गुनाह की बात है। आप अलैहिस्सलाम से एक औरत ने पूछा, अगर कोई खातून अपनी शौकन को जलाने के लिए ये कहे कि मुझे मेरे शोहर ने ऐसा दिया है और वो न दिया हो तो क्या ये जायज़ है? आपने फरमाया झूठा कपड़ा पहना उसने, झूठा कपड़ा उसने पहना, झूठा कपड़ा उसने पहना, ये जायज़ नहीं है। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और खूब खूब सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें। अपने मालों से सदका किया करो, सदका किया करो, बच्चों को सदका करना सिखाओ, खुद अपने मालों से सदका किया करो। और वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें। वलहाफिज़ीन फुरूजहुम वलहाफिज़ात, और इसी तरह से अपनी शर्मगाहों की अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, और खूब खूब अल्लाह को याद करने वाले मर्द और अल्लाह को याद करने वाली औरतें। ये 10 सिफात जिक्र फरमा कर फिर इरशाद फरमाया अअद्दल्लाहु लहुम मग़फिरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह पाक ने ऐसों के लिए मग़फ़रत का वादा फरमाया है, ऐसों के लिए अल्लाह पाक ने बड़े अजर का वादा फरमाया है। तो इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये मज़ामीन सूरतुल अहज़ाब के और कुछ सूरतुल नूर के आपके सामने और कुछ कुरान के मुतफर्रिक आयात के मज़ामीन आपके सामने मैंने ज़िक्र किए हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा है। आप अलैहिस्सलाम ने यह सीरत अज़वाज मुतहरात को सिखाई है, ये सीरत आपने अपनी बेटियों को सिखाई है, ये सीरत आपने अपनी सहाबियात को सिखाई है, और इसी सीरत में हमारे लिए दुनिया और आखरत दोनों जहानों में कामयाबी है। अल्लाह पाक हम सब के लिए अमल करना आसान फरमाए।